बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। झलवन सागर स्टेट हाईवे पर ज्ञापन घाट ब्यारमा नदी के पुल पर अंचलपुर तगड्डे के बीच मोड़ पर दो फोर व्हीलर में आमने सामने जोरदार भिंडत हो गई। बोलेरो गाड़ी MPB C 3747 जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें लकलका निवासी उम्मेदी बाई उम 65 वर्ष, शिवसेन लोधी 35 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अहमदाबाद से इंदौर जा रही मारुति सुजुकी कंपनी की कार क्रमांक GK01RS 1984 जिसमें धीरज गिरी गोस्वामी के सिर में गंभीर चोटें आना बताई जा रहा है। सभी घायलों को तेंदुगढ़ पुलिस हंडर डायल की मदद से तेंदुगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे भैया? जबलपुर से आ रहे थे। तो ये एक्सीडेंट मतलब एकाएक हो गया कि तेज रफ्तार से रहे मोड़ पे कि अचानक हुआ? रफ्तार तो मोड़ था, तो रफ्तार थी नहीं हमारी। हाँ हाँ, ये भैया जो सामने जो बोलेरो आ रही थी, उन्होंने रोड के हमारे साइड की रोड में गाड़ी ले ली। आगे वाली गाड़ी ने वो साइड में निकल गया, हमने बचाने की ट्राई की लेकिन राइट साइड में टकरा गई दोनों। तो इस वाली गाड़ी में से किसी को लगा तो नहीं? वो अस्पताल कांच लगा है आँख के ऊपर, आँख के ऊपर कांच लगा हुआ है। और बोलेरो गाड़ी वालों को, उनको भी थोड़ा पैर में कहीं पे चोट आई है, अंदरूनी चोट।